आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ पायल, आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ मेरी चैनल प्रहान एंड पायल ब्लॉग्स में। और आज मैं आई हूँ चौपाटी। आज से मैंने एक नई शुरुआत की है और आज से थोड़ा वॉकिंग शुरू किया है और अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगी, थोड़ा मेडिटेशन करूंगी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो देखती हूँ आज मेरा दिन कैसे निकलता है। तो ये देखिए जा रहा है तो मेरे लिए काफ़ी रिलैक्सिंग हो गया क्योंकि उसकी स्कूल यहाँ से काफ़ी दूर है। उसे छोड़ने जाना, फिर लेने जाना, तो मेरा बहुत टाइम उसमें वेस्ट होता था। तो अभी नीचे से ही वैन में उसको छोड़ के मैं सीधा यहाँ पे चौपाटी पे आ गई। और हमने जो घर चेंज किया है वो बहुत ही अच्छा लोकेशन पर है, चौपाटी के एकदम नज़दीक पे है। तो जब भी मन करता है तो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, लेकिन इन दिनों में तो मुझे टाइम नहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि आज से तो मैं ये ज़रूर करूँगी। तो बस आज मैं आ गई हूँ और अभी बाकी जो भी काम है वो मैं घर जाके करूँगी। तो चलिए, चौपाटी से वॉक करके मैं आ गई थी 9 बजे और उसके बाद मैंने सारा घर का काम कंप्लीट कर दिया क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे हेल्पर नहीं मिली है। तो झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी है, कपड़े मशीन में डाल दिए हैं और नहा भी लिया है, फ्रेश हो गई हूँ, थोड़ी बहुत लंच की भी तैयारियाँ कर ली है केवल 2 घंटे में। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ा सामान लेने और 1 बजे तक प्रहान आ जाएगा। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ बाहर। चलिए, मार्केट से मैं आ गई हूँ और अभी बजे है 12 और अभी मैं बना रही हूँ हमारा लंच। और आज मैं बनाऊंगी मेरे और प्रहान के लिए पास्ता, वाइट सॉस पास्ता खाने का मेरा बहुत मन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि कल से मैं आज से मैंने वॉकिंग शुरू थोड़ी थोड़ी की है तो कल से मैं थोड़ी डाइट भी शुरू करूंगी, तो उससे पहले आज पास्ता खा लेती हूँ। ऐसा होता है ना कि बहुत मन करता है कि जब भी आप डाइटिंग शुरू करते हो उससे पहले ना ये खा लो वो खा लो। तो वैसे इतने सारे दिनों से हम लोग बाहर का बहुत खा रहे थे, घूमने गए थे फिर आने के बाद भी, तो बस आज लास्ट डे है, आज मैं एकदम चीज़ी वाइट सॉस पास्ता खा लेती हूँ। इसलिए मैं दोपहर में खा रही हूँ क्योंकि शाम को खाना लेट होता है, फिर सीधा सोना होता है, तो चीज़ बटर ये थोड़ा हैवी हो जाता है। तो अभी मैं और प्रहान के लिए मैं बनाऊँगी पास्ता और प्रहान के पापा के लिए शायद बनाऊँगी दाल मखनी। तो चलिए अभी सारी लंच की तैयारियां कर लेते हैं। और यस, आज शाम को हमारा जो बेड है वो भी रेडी हो गया है। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने एक नया बेड और सोफे दो चीज़ करवाई थी, तो सोफे तो अभी तक नहीं आए, उसको शायद थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी जस्ट वो जो कारपेंटर भैया है उसका फ़ोन आया था, तो बोल रहे थे बेड आज शाम तक आ जाएगा। तो आज रात को मेरा सारा वो भी हमारा जो बेडरूम है वो सेट हो जाएगा। तो चलिए अभी फटाफट से बनाते हैं पास्ता। चलिए, बन गए हैं एकदम मस्त चीज़ी वाइट सॉस पास्ता। चलिए, प्रहान यहाँ पे उठ गया है, कब का उठ गया है क्योंकि आज दोपहर में लंच करके स्कूल जल्दी गया था, जल्दी उठा था सुबह, तो उठ भी जल्दी गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रहान है वो शाम के 5 बजे उठ जाता है, जो 5 बजे सोता था वो 5 बजे आज से उठने लगा है, तो अच्छा है। उसके साथ साथ मेरा भी कुछ थोड़ा टाइमिंग है वो चेंज होगा। और अभी यहाँ पे देखो बालकनी में खड़ा है, अभी कुछ देख पाएगा दिन कैसा होता है ना प्रहान। चलो अभी अंदर चलते हैं, चलो चलिए। अभी सब थोड़ा घर बिखरा हुआ है और यहाँ पे प्रहान को खानी है वेफर, ये सारी मम्मी ने भेजी है, तो प्रहान को अभी ये मैं फ्राई करके दूंगी, घर की बनाई हुई वेफर। ये खानी है ना तुम्हें, ये वाली कच्ची खानी है। चलो ट्राई करो, एक अच्छी लगती है, मैं भी खाती थी कच्ची, देखो। चलो और मैं चाय पी लेती हूँ, ठीक है।
नहीं भी। और यहाँ पे आ गए थे बेड को फिटिंग करने के लिए। एक बार बेड फिट हो जाएगा तो मैं उसके अंदर मेरा जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो भर दूंगी। और देखिए हमारा बेड है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे जो टेबल जैसा था बॉक्स थे एक्चुअली वो सारा मैंने बेड के अंदर डाल दिया है। और अभी कल से मैं इसी रूम को क्लीन कर रही हूँ। देखिए पूरा मैस है यहाँ पे। अभी ये सब यहाँ पे भी बॉक्स थे सारे, जिसमें से सामान निकाल के मैंने जो नया बेड आया है उसके अंदर भर दिया है। और आज मैं प्राण के सारे जो भी खिलौने हैं वो सेट करूँगी। तो बस यही है, कल से पूरा आपने देखा जैसे वो भैया जैसे ही बेड है वो सेट करके गए, फिटिंग करके गए, उसके बाद से मैं बस यही करने लगी थी। और साथ साथ में टीवी के लिए जो टाटा स्काई की जो केबल था वो फिट करने भी भैया आए थे। तो पूरा घर फिर से मैस हो गया है। मैंने कल रात को 11 बजे तक ये सब सेट ही किया है। और फिर सुबह उठ के थोड़ा सब काम किया, प्रहान को स्कूल भेजा। रात को 12 बजे मैं सो गई थी तो सुबह मुझसे भी उठा नहीं जा रहा था, इतना मैं भी थक गई थी। तो जैसे जैसे करके प्रहान को स्कूल छोड़ दिया। और बस अभी ये सब सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले ना मैं आराम से बैठ के प्रहान के जो भी खिलौने हैं जो वो नहीं खेलता वो मैं किसी को दे दूँगी। और जो उसके एकदम छोटे छोटे बचपन के जो खिलौने थे, जो उसके फर्स्ट टॉयज थे सब उस टाइम के, तो वो थोड़े मैंने संभाल के बेड में रख दिए हैं। तो चलिए अभी ये सब भी मैं सॉर्ट कर लेती हूँ, सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी 10 बज गए हैं। 12:30-1 बजे तक तो वो फायर वापस आ भी जाएगा। तो बस यही चल रहा है आजकल। देखिए अभी ये मैं प्रहान के सारे खिलौने हैं, ये छोटे छोटे ये कबाड़ खाना जैसा हो गया है, ये सब आज मैं सेट करूँगी। हाँ देखिए ये छोटे छोटे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, फेंक भी नहीं सकते और रख भी नहीं सकते, ऐसी हालत हो गई है अब तो। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में प्रहान चाहता था कि पापा उसे नीचे तक छोड़ने आए वैन तक, तो मैं ऊपर से बस ऐसे ही खड़ी देख रही थी, वीडियो बना रही थी। और उसके पापा गए थे उसे छोड़ने के लिए। प्रहान स्कूल गया और मैं चौपाटी पे वॉक करने आई थी तो एकदम तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे पता था बारिश होने वाली है इसलिए मैं छाता लेके ही आई थी, तो मैं इतना वॉक तो नहीं कर पाई थी। बस अभी जस्ट आई और 5 मिनट में तो इतनी बारिश तेज़ हो गई। और यहाँ पे देखिए ये लोग कितने मज़े कर रहे थे, एकदम मस्त पानी में नहा रहे थे। तो बस अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में। बाय।